वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiabud.com। जैसा कि आपको पता है कि कल 24 था और उसी दिन आरआरबी का जो पेपर चल रहा था तो वो ओवर हो चुका है और अब इसके मेंस के प्रिपरेशन में आप लोग लग चुके होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि आरआरबी का जो मेंस होगा और जो आईबीपीएस का जो मेंस होगा उसकी तैयारी हम कैसे करें, और ख़ास करके मैं जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहे होंगे आप लोग कि जनरल अवेयरनेस है, तो मैं आपको जनरल अवेयरनेस जो 40 मार्क्स के होते हैं उसकी कैसी प्रिपरेशन करना है, कहाँ से आपको क्या मिलेगा और कहाँ से आपको क्या पढ़ना है, वो सब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं आज का वीडियो। सब्सक्राइब करें indiabud.com YouTube चैनल को और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें और देखें हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस बिल्कुल फ्री। आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी तक हमारे फेसबुक ग्रुप को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें और पेज को भी लाइक कर लें, क्योंकि पेज पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आती है। और फॉलो करें फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल प्लस पे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए आपको बताते हैं, आप शुरू करते हैं वीडियो। तो आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट क्या है, तो आप देख लें 2017 में जो ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 का जो है वो 5 नवंबर 2017 को पेपर होगा और ऑफिस असिस्टेंट का 12 नवंबर 2017 का पेपर होगा। तो ये दो डेट हैं, अगर आप इसके लिए मेंस की तैयारी करते हैं तो आपका इसका भी हो जाएगा और आईबीपीएस का जो पेपर होने वाले हैं अभी तो उसके प्री ही नहीं हुए हैं, तो आपको उससे भी मेंस में, खास करके जनरल अवेयरनेस में आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। पैटर्न क्या रहता है सबको पता है, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं कि पैटर्न क्या होता है, तो उसमें जो होता है वो जनरल अवेयरनेस जो होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन होते हैं। तो इसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपको बताऊँगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और कंप्यूटर के बारे में भी बताऊँगा तो नहीं, मैं आपको इसका लिंक कर दूँगा, लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका भी कुछ कुछ टॉपिक्स का मैं आपको इसको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें हमारे वीडियो के, जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर कुछ आपको लिंक रहेंगे, या तो वो वीडियो के होंगे या तो वो वेबसाइट के होंगे, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। तो कंप्यूटर मार्क्स, जो कंप्यूटर नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो 40 क्वेश्चन होते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं, और इसका मैं भी लिंक दे दूंगा, तो थोड़ा सा आपको इसमें भी हेल्प हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 40 प्लस 20 60 मार्क्स के आपके ऐसे बन सकते हैं, और इसमें टाइम की भी बचत होती है, आपको इसमें पेपर पेंसिल को सॉल्व नहीं करना होता है, आपको केवल देखिए और उसको टिक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए पिछले साल का मैं कुछ क्वेश्चन आपको शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, तो देख लें। पुष्कर फेस्टिवल इज रिलेटेड टू राजस्थान, मैंने ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिन्होंने पिछले साल पेपर दिया होगा उनको पता होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि दादा साहब देखिए, करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप करंट अफेयर्स कम से कम 60-70% करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस में। तो देख रहे हैं कि दादा साहब फाल्के 2016 का किसको मिला, मनोज कुमार को, मनोज कुमार बहुत ही अच्छे एक्टर, नोबेल प्राइज 2016 इन लिटरेचर, बॉब डायलिन, और ये हो गया करंट का। और आप यहाँ से देख लें, कैपिटल ऑफ लिथियन नहीं वायलेंस, कैपिटल ऑफ जमेबिया लुएस्का, और करेंसी ऑफ नमेबिया नमेबियन डॉलर। तो आपको कैपिटल करेंसी आपको याद रखनी है, उसके लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करूँगा, तो आप लिंक देखना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से आपको फ़ायदा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आपको टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ के जाने हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो पद्मा अवार्ड, इस साल का पद्मा अवार्ड किसे मिला ये आपको देख लेने हैं, इसका जो जो मैं बता रहा हूँ किसी किसी का मैं लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा, किसी किसी का लिंक नहीं प्रोवाइड करूँगा, तो ऐसा नहीं है, मैं आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे तो आप वहाँ से देख लें या तो कहीं और से देख लें, मैं आपको लास्ट में सोर्स भी बताऊँगा कहाँ से आपको पढ़ना है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो पहले पद्मा अवार्ड हो गया, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इसका भी ये सब का भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप देख लें वहाँ से। जीएसटी न्यूज़ आपको पता है कि 4 सिलेबों में है जीएसटी इस बार, और 2 महीने ही हुए हैं, तो ये बहुत हॉट टॉपिक चल रही है आजकल, और इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर भी देखने को मिल रहा है, तो आप इससे ज़रूर देख लें। और एमिनेंट पर्सन डाइड, जो इस साल जो अच्छे रिनोन पर्सन जो इस साल जिनकी मृत्यु हो गई उनके बारे में भी आप जान लें, पूछ सकता है आईबीपीएस में। एफडीआई रेट्स इन डिफरेंट सेक्टर, आपको पता है कि आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इकोनॉमिक्स और इसके बारे में आपको अच्छे खासे ज्ञान होने चाहिए, तो आपको एफडीआई के जो रेट्स चल रहे हैं वो डिफरेंट सेक्टर में जो आप, तो वो आपको बताने हैं। इंपॉर्टेंट मूव एंड एग्रीमेंट,
इम्पोर्टेंट मॉ किस दोनों, अगर दो देशों के बीच में जो भी साइन हुए हैं मॉ और एग्रीमेंट हुए हैं वो भी आपको देखने हैं। जैसे कि पता है आपको कि कुछ दिन पहले वन मंथ हो गया शायद, तो वहाँ पर आपको पता है कि इजराइल गए थे हमारे प्रधानमंत्री, तो वहाँ पर काफ़ी मॉ और एग्रीमेंट साइन हुए थे डिफेंस सेक्टर और बिजनेस सेक्टर के लेकर, काफ़ी ज़्यादा ही हुए थे, तो वो आपको जानने चाहिए। कुछ वाटर पे भी हुए थे तो उसको भी आपको जानने चाहिए। वेयर मोदी विजिटेड, ये आपको पता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब से मोदी गवर्नमेंट बनी है बहुत हॉट टॉपिक है वेयर मोदी विजिटेड। कंट्रीज कैपिटल एंड करेंसी, इसके आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कैपिटल, कैपिटल का मतलब ये नहीं है कि आपको पूछेगा कि इंडिया का नई दिल्ली और इस्लामाबाद पाकिस्तान का, ऐसे नहीं कैपिटल पूछेंगे, वो ऐसे पूछेंगे जैसे कि आपको वो चेक करेंगे कि आपको पता है कि नहीं। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, देखे पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मैंने बताया कि निमीबिया का आपको करेंसी पूछा निमीबियन डॉलर, तो वैसे बहुत कम लोग जानते हैं इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको चेक करते हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है इसमें। तो इसका भी आपको मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक जरूर कर लें एक बार अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप या देख रहे हैं। तो नेशनल एंड इंटरनेशनल समिट्स जो हुए हैं उसके बारे में आपको जानना है। फिर ब्रिक्स डिटेल, पता है आपको कभी कुछ दिन पहले ही ब्रिक्स हुआ था, और ब्रिक्स में आपको पता है कि कितनी कंट्रियाँ आती है, तो आपको 5 कंट्री हैं और कौन कौन से मेंबर हैं आपको, अगर इसका फुल फॉर्म पता है तो आप पता कर लेंगे कि कौन कौन से कंट्री आती है। इसके बारे में आपको डिटेल देखने हैं, कौन से राज्य, कौन से देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने क्या भाषण दिया वहाँ पर, क्या बोला ग्लोबल वार्मिंग पे, क्या बोला किसी और पे, क्या बोला समिट में क्या बोला, तो आपको वो सब देख लेके जाने हैं। ब्रांड एम्बेसडर आपको पता करना है कि कौन सा ब्रांड एम्बेसडर किसके हैं, तो ये भी आपको देख के जाना है। आपको जैसे कि पता है कि पंजाब नेशनल बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो विराट कोहली हैं, वैसे ही आपको देखने हैं अपॉइंटमेंट्स, देखने हैं बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स इस साल हुए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बोल देता हूँ कि ये जो दो मैं ऊपर में लिखा हूँ इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, आप देख लेना कंफर्म, तो आप इसको देख के जाएं। जैसे कि CIC CGI में आप गलत मत करना, बहुत सारे लोग गलत कर देंगे जिनको पता नहीं है वो इन्फॉर्मेशन, आपको पता नहीं है कि कौन से बनाए गए। अभी बहुत सारे लोग चीफ जस्टिस JS खेर को ही नहीं कर दें, CGI का फुल फॉर्म होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो JS खेर नहीं करना है। पता है आपको कि चेंज हो गया है, दीपक मिश्रा बनाए गए हैं अभी चीफ जस्टिस, जो कि रामनाथ कोविंद हमारे जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपॉइंटमेंट किया है। और कैट का, हाँ कैट के लिए मैं आपको बता दूं कि आज से ही, आज जो मंडे है आज से ही इनके जो पदभार जो संभाले हैं उनका नाम है राजीव महर्षि, तो आप ये दोनों को भी याद कर लें। और बहुत सारे हैं ऐसे, मैं बताने लगूँ तो बहुत है। आपको क्या करना है इसमें कि आप एक नोट्स करें CIC और गूगल करके ये सब लिख लें, आपको ये याद रहेगा। नेवी, एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, सब आप देख लें। FSI, रेलवे सेक्रेटरी देखना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और जैसे कि आप बैंकिंग का ही एग्जाम दे रहे हैं तो आपको फाइनेंस सेक्टर, होम सेक्रेटरी एंड स्पोक्स पर्सन उनके कौन कौन से हैं इनको देखना होगा। नीति आयोग के बारे में आपको देखना होगा, उसके चेयरमैन VC और CEO के बारे में जानना होगा कौन है, कौन बनाए गए हैं। तो आपको पता है कि नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को हटा कर बनाया गया है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पर डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ। आप लोग अगर कमेंट करते हैं 2 से या 3 से भी ज़्यादा, कुछ लोग मेंबर ने कमेंट कर दिया कि सर इस पर वीडियो चाहिए, तो मैं पूरा इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। नीति आयोग है क्या, क्या करता है, क्या प्रोग्राम है इसके, कौन से चेयरमैन हैं, कौन मेंबर हैं, कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है, सब पूरा मैं डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। और अब आ गए स्पोर्ट्स में, आप देख सकते हैं यहाँ का जो मैं 3 टॉपिक आपको बता रहा हूँ ये स्पोर्ट्स रिलेटेड है, तो आप स्पोर्ट्स के बारे में भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि स्पोर्ट्स वेन्यू, मैं कुछ वेन्यू का वो आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक कर लें। और मैं एक और वीडियो बनाया था, आपको ऐसे क्या करना है कि प्लेलिस्ट में जानिए, प्लेलिस्ट में आपको 2-3 तरह के प्लेलिस्ट हैं। एक आपको मिलेगा जनरल अवेयरनेस का, जहाँ पे आपको कुछ कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स हो गए, पॉलिटिकल साइंस के हो गए, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री के हो गए, इसमें तो ऐसा नहीं आता है, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन वहाँ से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ऐसा मैं उनका आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स का भी लिंक दे दूंगा। और एक मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स पर बताया था, जैसे कि बैंकिंग का वो कैसे याद रखें, बैंकिंग के टैगलाइन हैं और बैंकिंग के हेडक्वार्टर्स हैं, कौन सा बैंक कहाँ पे है, उसके मैंने ट्रिक्स बताया था कि कैसे आपको याद रखना है, पता कैसे चलेगा आपको कि ये बैंक कहाँ पे है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पे है, ऐसे करके मैंने बताया था, तो उसका भी आप वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। आपको पता है कि पिछले साल जो रियो ओलंपिक्स हुआ था उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखनी है कि कौन से देशों ने कितने ओलंपिक्स, कौन से देशों ने कितने गोल्ड मेडल, और भारत का कितना पोजिशन था, भारत ने कौन सा मेडल जीता,
ये सब भी आपको ध्यान देकर जाना है, पढ़ के जाना है, रिवीजन करके जाना है। अगर आप पढ़ लिए तो प्लेयर्स नेम आपको देखने हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी देश का एक प्लेयर का नाम दे दिया गया, आप पूछ देंगे कि किन खेल से संबंधित हैं या ये क्या प्लेयर हैं, क्या खेलते हैं, इससे भी पूछ सकता है। और आपको जो है इंडिया GDP प्रेडिक्शन आपको देखनी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़ देखनी है। आपको पता है कि इंडिया भी डिजिटल होते जा रहा है, तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारे जो ऐप्स के बारे में भी आपको जानने हैं कि कौन से बैंक ने कौन सा ऐप्स लॉन्च किया, भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया, उसके क्या फीचर हैं, ये भी आपको देख के जाने हैं। डिफेंस एग्रीमेंट देख के जाने हैं, दो देशों के बीच में कौन कौन से मौकों पर साइन किए गए, डिफेंस एग्रीमेंट कौन देशों के साथ किया गया, ये भी आपको देखने हैं। और स्टैटिक जीके की बात आ गई, अब देखते हैं स्टैटिक जीके में क्या क्या है। बैंकिंग टैगलाइन, तो इसका जो आपको देख लेना है बहुत अच्छे से कि ये बैंक का टैगलाइन क्या है। और मैं इसके साथ एक और जोड़ दूं कि बैंकिंग टैगलाइन प्लस हेडक्वार्टर्स, आपको हेडक्वार्टर्स भी देखने हैं कि हेडक्वार्टर्स इनके कौन से बैंक के कहाँ पे हैं, तो आप देख लें हेडक्वार्टर्स भी। उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा हेडक्वार्टर्स का, आप वहाँ से देख लेंगे। मिनिस्ट्री एंड पोर्टफोलियो, आपको पता है कि अभी चेंज किया गया है मिनिस्ट्री, जैसे कि रक्षा मंत्री भी बनाया गया है सीतारमन को, फिर बहुत सारे चेंज किए गए हैं मिनिस्ट्री में, ऊपर किसी को चेंज किया गया है, किसी को बाहर से लाया गया है। तो जैसे कि पीयूष गोयल को रेलवे मिनिस्टर बना दिया गया है, पहले वो इलेक्ट्रिक मिनिस्ट्री में थे, वहाँ पे आर के सिंह को बना दिया गया इलेक्ट्रिक मिनिस्ट्री, ऐसे करके बहुत सारे मिनिस्टर को चेंज कर दिया गया है। डेज एंड डेट विद थीम, इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से देखें, इसका मैं वेबसाइट का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। बुक्स एंड ऑथर देखने हैं आपको, अभी जो बुक्स और ऑथर के बारे में एक और मैं बता दूं कि ज़्यादातर आप ध्यान दीजिएगा कि वही क्वेश्चन पूछे हैं जो इस साल लॉन्च किए गए हैं बुक्स, और जिसके राइटर हैं उसके बारे में पूछे गए हैं आपसे। तो आप ध्यान देना कि 2017 या 2016 में कौन से बुक किसने लिखा, जैसे कि एक राष्ट्रपति जी का बुक था और एक क्रिकेटर जो है आकाश चोपड़ा उनका बुक था, उसके बारे में पिछले सारे क्वेश्चन पूछा गया था, तो उससे आप देख सकते हैं। फिर RBI, SEBI, IRADI ये सब भी आपके पूछ सकते हैं। डेज एंड डेट विथ थीम, यहाँ सॉरी फ्रेंड्स गलती हो गई, यहाँ पे आप ये लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पे मैंने इसको आपको बता दिया है। इंडियन बैंक CEO, तो जो बैंकिंग है उसके CEO कौन कौन से हैं, बहुत सारे बैंक के CEO के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि इस बैंक के CEO कौन है, ये भी देख लें। और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी देख लेना है आपको, तो आपको इतना स्टैटिक जीके में देखना है, ये मैंने इंपॉर्टेंट बताया, ऐसे तो आप पढ़ सकते हैं, अगर आप कोचिंग करते होंगे तो कोचिंग से भी आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते होंगे और बहुत सारे आपके फैकल्टी लोग नोट्स प्रोवाइड करते होंगे, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि इस पर विशेष फोकस रखना है, इससे क्वेश्चन आते हैं। और आपको मैं आगे बता दूँ कि हाउ टू प्रिपेयर, तो मैं आपको आगे चलते चलते बता दूँ कि हमारे जो इंडिया बट का जो वीडियो है उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है, और वेबसाइट का भी जो मैं एक लिंक प्रोवाइड करूँगा, अगर वेबसाइट आप ओपन नहीं करना चाहते हैं तो जो जो मैं बताया, जो जो इंपॉर्टेंट आप मेरे को लगेगा वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें। तो इंडिया बट का जो वीडियो है वो प्लस वेबसाइट, और उसके बाद अगर आप ये नहीं जाना चाहते हैं, सोच रहे होंगे कि सर प्रमोशन कर रहे हैं आप, तो ऐसा कुछ नहीं है, अब नहीं देखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं देखें इसको। तो आपको देखना है जागरण जोश जो है, वहाँ पर बहुत सारे एग्जाम जो होते हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगे। जागरण जोश में आपको SSC के जो पेपर के जो होते हैं जनरल अवेयरनेस, वहाँ उसके भी ले सकते हो, बैंकिंग के भी आपको मिल सकते हैं, यहाँ तक कि IAS के भी वहाँ पे मिलते हैं, और वीडियो फॉर्म में भी मिलते हैं, PDF फॉर्म में भी मिलते हैं, आप उसको देख सकते हैं। योजना हिंदी इंग्लिश एक आती है उसको भी देख सकते हैं, और मंथली कोई मैगजीन आप प्रेफर करें जो कि बैंकिंग के लिए हो, आप अगर बैंकिंग के एग्जाम के लिए प्रेफर कर रहे हैं तो। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और कोई डाउट है तो कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी हेल्प हो जाएगा, और फॉलो करें हमारे चैनल को फेसबुक पे, ट्विटर पे, गूगल प्लस पे और इंस्टाग्राम पे। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।